खरगे साहब, तमाम उम्र सफ़र में गुजार दूँ अपनी, तमाम उम्र तमन्नाएं रह गुज़र में रहूँ, मतलब हमेशा रास्ते में ही रहूँ, रास्ते की कोई मंजिल 2024 तक आके रुकेगी क्या? ये राहुल गांधी को पीएम चैलेंजर के तौर पर पेश करेगा, विपक्ष में राहुल गांधी का कद बढ़ेगा? देखिए, हमारी मंजिल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम ज़रूर बताएंगे। आप थोड़ा धीरज रखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म होने दो, इसके बाद हम हमारी एजेंडा, हमारा एजेंडा, हमारा कार्यक्रम, हमारी पॉलिटिकल रूपरेखा क्या होगी, सारी चीज़ें हम उस वक्त बताएंगे। इसको और उसको मत जोड़िए आप, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अब प्लेनरी सेशन होने जा रहा है कांग्रेस का प्लेनरी सेशन, उसमें तो 10,000 डेलीगेट्स आएंगे, बहुत से चीज़ें उसमें भी डिस्कस हो जाएंगी। फिर उसको किस ढंग से हम उसको अनुष्ठान में लाना, ये भी हम कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए, हमारी पार्टी पूरी पूरी कोशिश करेगी 2024 की भी, या उसके पहले आने वाले इलेक्शन की भी, और इलेक्शन के लिए जो काम करना वो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों को जोड़ना ये अलग चीज़। सर, कंटिन्यूटी में मैं पूछना चाह रही थी कि राहुल गांधी ने कहा है कि करोड़ों पैसे खर्च हो गए उनकी इमेज को ख़राब करने में, भारत जोड़ो यात्रा में कहा, तो क्या राहुल गांधी की इमेज चेंज हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है? मतलब ये तो सवाल है ना, कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से उनकी इमेज मेकओवर है? देखिए, उस आप घुमा कर मुझे पूछ रहे हो। नहीं, मैं सीधे पूछ रही हूँ। सुनिए, ये उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों ने पहले क्या क्या प्रचार किया और बीजेपी ने क्या प्रचार किया, कभी कभी आरएसएस के लोग भी क्या कहते थे, और कभी कभी मीडिया में क्या आता, ये सब आपको मालूम है। मैं इस मंच से फिर वो बातें दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज उनकी यात्रा सफल रही है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, और सभी लोग उस यात्रा में लाखों के तादाद में जुड़ रहे हैं। तो आप उनके इमेज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जो बिखरे हुए लोग हैं उनको एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विचारों में जो आज ये थोड़ा दरार पैदा कर रही है, जो बीजेपी है और चंद लोगों ने, उस जो दूरी को वो नज़दीक करने का, लोगों को जोड़ने का काम वो कर रहे हैं। इसीलिए आप उनके इमेज के बारे में ये दौरा है ये कहना उतना उचित नहीं रहेगा। सर, इसलिए मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण होता है कि क्या वो अभी तक आपके एक तरह से नेता है, क्या वही एक तरह से आपके चेहरे रहेंगे 2024 के चुनाव में, या आप सभी दलों के साथ एकजुट होके 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्लियामेंट में आपने दो दिन पहले मीटिंग ली, उसमें तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी शामिल थे, क्या आप सबके साथ लड़ना चाहते हैं, या कांग्रेस खुद लड़ेगी 2024 राहुल गांधी के चेहरे और राहुल गांधी को चेहरा बनाएगी? देखो, बीजेपी को हराने के लिए हम सभी पार्टियों को साथ लेंगे, जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जो उसूलों पे ठहरे हैं, जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं, उन सभी को लेके हम 2024 में चलेंगे। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप सभी लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ लेकर चलेंगे। तृणमूल कांग्रेस जो है उसमें कांग्रेस नाम शामिल है, ममता बनर्जी उनकी नेता है, उनको क्या आप लेकर जाएंगे? आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ लड़ी गुजरात में, क्या उनको आप लेकर जाएंगे? क्योंकि पार्लियामेंट की उस मीटिंग में मैंने देखा आपके साथ वो सभी पार्टियां थी, तो क्या ये सभी पार्टियों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? और कभी रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं, एब्सेंट हो जाती है अहम पॉइंट्स पे। देखो, वहाँ पार्लियामेंट में जब हम लड़ते हैं, इशू बेस्ड जो कॉमन इश्यूज आते हैं, जैसा किसान का मुद्दा है, एट्रोसिटीज का है, या ड्रॉट का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, ये सब मुद्दे जब कॉमन होते हैं
तब हम बैठकर एक होकर उन मुद्दों पर लड़ते हैं, और राज्यों में अपने अपने तरीके से वो लोग लड़ते हैं, लेकिन देश के हित के लिए देश में हम एकजुट होके लड़ेंगे, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, और जो जुड़ना चाहते हैं सभी का हम स्वागत करेंगे, और किसी वजह से अगर हमसे दूरी रखना चाहते हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जोड़ लेने के लिए। तो ये जो हमारा मकसद है, सबको लेके चलने का हमारा मकसद है। खड़गे साहब, शरद पवार साहब के शायद अलावा कोई और मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी पीएम उम्मीदवार, नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार, अखिलेश यादव पीएम उम्मीदवार, और अब तो अरविंद केजरीवाल भी पीएम उम्मीदवार है, उनकी भी तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। नहीं, मैं उनकी तो किसको छतरी में लेंगे, कांग्रेस की छतरी में ये लोग आएंगे? हाँ देखो, ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर आदमी अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है, मैं प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार हूँ या मेरी पार्टी आगे आएगी, ये कहते हैं। मैं उस इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यही, मेरा मकसद यही है, हमारा मकसद यही है, हमारा पार्टी का मकसद यही है कि जो आज भारत में समाज को तोड़ने का विचार चल रहा है, डिवाइड करने का विचार चल रहा है, आज़ादी लोकतंत्र जब खतरे में है, संविधान जब खतरे में है, उसकी रक्षा के लिए जो जो लोग हाथ बढ़ाते हैं या हाथ हमारे साथ मिलाते हैं, उन सबको लेके हम चलेंगे।